ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो गत दो दिनों में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं के अलावा हिमाचल का सबसे लंबा चुनावी रोड शो करके सबको हैरान कर दिया है। जिस तरह रोड शो के दौरान काफिले में हजारों गाड़ियों के साथ बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का लोगों का समर्थन मिला, उसे देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो गत दो दिनों में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं के अलावा हिमाचल का सबसे लंबा चुनावी रोड शो करके सबको हैरान कर दिया है। जिस तरह रोड शो के दौरान काफिले में हजारों गाड़ियों के साथ बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर का लोगों को समर्थन मिला है, उसे देखकर अनुराग ठाकुर भी गदगद हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने भी हमीरपुर के सुजानपुर में रोड शो करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए जनता से समर्थन मांगा है। हालांकि दोनों ही रोड शो एक ही दिन हुए, लेकिन बीजेपी के रोड शो में जनता की उपस्थिति को देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी के रोड शो के दौरान बिलासपुर से लेकर जाहू, पट्टा, भोटा, मोरसू, डिडवी, भिड़ा, धुसड़का में मिले भारी जनसमर्थन के चलते कांग्रेस की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सुजानपुर में हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के रोड शो पर अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि रामलाल ठाकुर ने अपने रोड शो के दौरान कार के बंद शीशे रखकर लोगों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि लोगों को देखना है कि धूप में तपने वाला सांसद चाहिए या गाड़ी में बंद शीशे कर रोड शो करने वाला सांसद। उन्होंने कहा कि रामलाल ठाकुर ने 40 दिन के कैंपेन में उपलब्धियां तक जनता को नहीं बताई हैं। 40 सालों में कुछ ना किया हो और अपने पिछले 40 दिन की कैंपेन में अपनी चार उपलब्धियां ना बता पाया हो। वो बंद शीशे की गाड़ी में घूमेंगे, एसी ऑन करके घूमेंगे, ना उन्होंने पहले कुछ किया ना आज कुछ करेंगे। और दूसरी बात मैं कहूँ, मैंने तो बिलासपुर में, घुमारवी में, जाहू में और सारे पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र में पैदल भी और तपती धूप में भी लोगों का आशीर्वाद भी लिया और पिछले 5 सालों में तप तप कर अपने संसदीय क्षेत्र का विकास भी किया है। जनता को देखना है कि तपने वाला विकास करने वाला चाहिए या वोट लेकर दूर भागकर शीशों में बंद रहने वाला चाहिए। वहीं रामलाल ठाकुर ने भी अनुराग ठाकुर पर हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग अपने आप को साफ सुथरा मानते हैं, तो अनुराग बताए कि हिमाचल में सोसाइटी भी चली है तो क्रिकेट की कंपनी भी चली है और दोनों के अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और हिमाचल में दो दो कंपनियां चली हैं, इसलिए अनुराग बताए कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। सुनामी का अगर असली अर्थ समझा जाए तो वो जो तबाही करने वाली होती है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी की तबाही होगी। सुनामी शब्द अच्छा नहीं है। बड़े बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, प्लेयर भी इंटरनेशनल प्लेयर मान लिया मैं, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निकाला खुद ही बता दो। सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी क्यों मांगी खुद ही बता दो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में सोसाइटी भी चली है और क्रिकेट की जो है वो कंपनी भी चली है। एक की रजिस्ट्रेशन यूपी में कराई, एक की हिमाचल प्रदेश में चली है। दोनों के अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हैं, एक जाली है एक नकली है, अपने आप बता दे कौन सी जाली है कौन सी नकली है। बता दें कि जहां कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर भी इस बार चौथी बार चुनाव मैदान में उतरकर जीत की उम्मीद कर रहे हैं, तो वहीं सांसद अनुराग ठाकुर हिमाचल में भाजपा के पहले ऐसा नेता बनने के लिए आतुर हैं जो लगातार 4 बार चुनाव जीतेंगे। अब देखना है कि 23 मई को जनता किसे अपना फैसला सुनाती है और किसे संसद में भेजती है। एच टुडे चैनल के लिए अश्विनी के साथ दीपिका की डेस्क रिपोर्ट।